है गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारतीस लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिए हैं नॉर्मल चावल, बट ये थोड़ा सा येलो दिख रहा है क्योंकि ये शादी में यूज़ किया हुआ चावल है। तो आप नॉर्मल चावल या फिर बासमती चावल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, इसे 10 मिनट तक भिगो के रखना है। साथ ही मैंने यहाँ पे तुअर दाल लिया है 100 ग्राम, उसे भी आपको 10 मिनट तक भिगो के रखना है अच्छे से धो के। तो देखिए ये इस तरह से भीग जाएगा। यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर और बहुत सारे प्याज लगेंगे आपको, लंबे लंबे काट लेना है उसे। तो अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ कुकर, ये 10 लीटर का है क्योंकि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है। तो इसमें मैं 5 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जीरा डालना है तेल में 1 चम्मच। जीरा चटकने के बाद इसमें मिर्ची डालनी है, हरी मिर्ची 4-5, और उस पर थोड़ा सा नमक डालना है ताकि वो चिड़के ना। साथ ही इसमें कड़ी पत्ता और मटर डालनी है। मटर आप जितना भी ले सकते हो, 100 ग्राम 200 ग्राम, और उसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लेनी है आपको। ढक के इसे करीब 5 मिनट तक पका लेना है ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मटर अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसमें प्याज डालनी है। मैंने प्याज लंबे लंबे काटा है, आपको भी लंबे ही काटना है तो ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। और प्याज को तब तक हमें भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन कलर ना आ जाए। देखिए अच्छे से नरम हो चुका है प्याज, भून चुका है। देखिए इसमें मैं एक बड़ा आलू डाल रही हूँ और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। साथ ही आपको टमाटर अभी डाल देनी है और हल्दी डालना है 2 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं करीब 8 लोगों के लिए बना रही हूँ पुलाव। तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप मेज़रमेंट ले सकते हो। तो इसके बाद आपको ढक के करीब टमाटर जब तक गले ना तब तक पका लेनी है 7-8 मिनट तक। इस समय हम यहाँ पे फूलगोभी ऐड कर रहे हैं। तो ये 500 ग्राम फूलगोभी है, बड़े बड़े साइज में कट करके आपको डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे ढेर सारा धनिया डालना है। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, याद रखिए ऑलरेडी हम लोग ने हरी मिर्च डाला है, और साथ ही गरम मसाला। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हो। और ढक के इसे करीब 5 मिनट तक पका लेना है स्लो फ्लेम पे। तो देखिए तेल छूट चुका है, इस समय चावल को ऐड करना है। तो सारे चावल को ऐड करके इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेना है चावल को। और साथ ही दाल भी हम इस समय डाल देंगे। आप इसमें कोई भी दाल ऐड कर सकते हो, बट तुअर दाल थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इस ग्लास से मैंने 3 ग्लास राइस लिया है, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से उसी ग्लास से मैं 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि आपको 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी ऐड करना होगा। जैसे कि मैंने 3 ग्लास राइस लिया है तो 1 ग्लास चावल लिया है। तो इस समय आप टेस्ट दे सकते हो, अगर मिर्ची और नमक अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स किया है और कुकर का ढक्कन क्लोज कर देना है। तो इसे करीब 2 विजल आए तब तक पका लेना है हाई फ्लेम पे, उसके बाद बंद कर देनी है गैस को। सो 2 विजिल आ चुका है और स्टीम पूरा निकल गया है। जब तक स्टीम ना निकले तब तक आपको नहीं खोलना है, उसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने
कुकर का ढक्कन ओपन किया है तो देखिए हमारा पुलाव कितना मस्त दिख रहा है। तो ये बन के रेडी है, तो चलो सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, आप लंच में या डिनर में बना सकते हो इजीली, झटपट बनने वाला रेसिपी है। तो अगर आपको किसी दिन कुकिंग का मन ना हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।